92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग राम लीला। राम 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 कहो राम 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 जपो राम 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 कहो राम राम राम। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरुति मन भावन। रावण को जैसे ही ये समाचार मिला कि श्री राम की सेना 100 योजन लंबे समुद्र पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर चुकी है, तो वो आश्चर्यचकित होकर अपने 10 मुखों से बोल पड़ा। वन निधि, नीर निधि, जलाधि, सिंधु, वारिश, त्वन निधि, कामपाती, उदाधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? आश्चर्य, महान आश्चर्य। हे नाथ। कहो महारानी मंदोदरी। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि श्री राम के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं। आप उनसे व्यर्थ ही बैर मोल ले रहे हैं। आप सीता को वापस करके उनसे क्षमा मांग लें, अन्यथा वे सारे राक्षस कुल का नाश कर देंगे। प्रिय मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही डर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि विश्व में मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। नाथ, ये आपका मिथ्य अभिमान है। हर समय एक जैसा नहीं होता। आप मेरी बात मान लीजिए नाथ। मंदोदरी, सूरवीर समय को सदैव अपने अनुकूल बना लेते हैं। हा, 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 हा। मंदोदरी के समझाने का रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर श्री राम ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए बिग राम लीला। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए बिग राम लीला, श्री राम की कहानी बच्चों की जुबानी। राम,